हे फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे ड्रीम इलेवन ईसीसी इंटरनेशनल टी10 सीरीज का, जो आज के दिन का सेकंड मैच, इस सीरीज का सेकंड मैच होने वाला है MAL और LUX के बीच में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, बैटिंग ऑर्डर के साथ, कौन से प्लेयर का रिकॉर्ड किस प्रकार है, दोस्तों टी10 में कितने मैचेस खेले हैं अपने करियर के अंदर, कितने टी20 में मैचेस खेले हैं, सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, कौन से बॉलर अपने स्पेल के कंप्लीट दो ओवर तक बॉलिंग करेंगे डेथ ओवर बॉलर के साथ, मैं आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट पिक आपको देने वाला हूं। यकीन मानो, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है ना दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले और भी मैचेस हैं, वीडियो अपलोड होगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का सटीक और सही जानकारी मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा हेल्प मिलता है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलता है, अगर कोई भी चेंजेस होता है हमारे टीम में। देखो, अभी हम लोग टीम बनाएंगे, ठीक है, सारे स्टैट्स को, सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए दोस्तों मैं आपको यहां पर टीम बना के दिखाऊंगा। लेकिन लाइनअप के बाद क्या होगा कि एक दो अगर चेंज होता है तो वही टीम मैं आपको फाइनल टीम के रूप में अपडेट कर देता हूं इस ग्रुप में। तो एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए ही बनाया गया है। तो इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, आप क्लिक करके इजी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हो पहला कमेंट पे मैंने लिंक आपको पिन कर दिया, आप इजी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब स्टेट्स की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये जो मैच रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे वही ग्राउंड रहेगा, कोटमा ओवल ग्राउंड पे ही मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ का पिच रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 100 रन के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये शाम 5 बजे मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वेदर रिपोर्ट की बात करते हैं तो एक क्लियर स्काई रहेगा, यहाँ पे जीतने की जो सबसे ज़्यादा चांस है दोस्तों इस मैच के अंदर, MAL यानी मल्टा की टीम के जीतने के थोड़ा ज़्यादा चांस रहेंगे। इनके प्लेयर्स अच्छे फॉर्म पर हैं दोस्तों, और इनके प्लेयर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। एवरेज स्कोर 100 के आसपास, 110 के आसपास एक एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा इस ग्राउंड पे। वहीं दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले MAL के टीम के बारे में। मल्टा के टीम के तरफ से विकेट कीपिंग सेक्शन में दो खिलाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले गौरव और यहां पे दर्शित, ये दोनों प्लेयर आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में, ठीक है। यहां पे सबसे पहले आप रिकॉर्ड देखोगे गौरव का, तो दोस्तों ये जो प्लेयर है 1991 इनका डेट ऑफ बर्थ है, देख सकते हैं दोस्तों काफी एक्सपीरियंस है, लगभग देखोगे तो 30 साल का यह प्लेयर है दोस्तों। T10 2020 और 21 का रिकॉर्ड देखोगे तो 16 मैचेस अपने करियर के अंदर खेला हुआ है T10 में, जहां पे 223 रन स्कोर करा है। बॉलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, बॉलिंग नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं। देखो बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे तो इनका काफी मजबूत है, 16 मैच के अंदर दोस्तों 223 रन स्कोर करा है। इनका अगर बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो ये लगभग आपको 3 से 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। हाँ, विकेट कीपिंग भी करते हैं तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। दर्शित की बात करेंगे दोस्तों, T10 2020 और 21 का रिकॉर्ड देखोगे 27 मैच के अंदर 423 रन स्कोर करा है अपने करियर के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गौरव से भी ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड दर्शित का है, तो इस वजह से सिलेक्शन में भी डिफरेंस है। इनको काफी लोगों ने लिया हुआ है, गौरव को थोड़ा कम लोगों ने ट्राई किया है, दर्शित बेटर प्लेयर है। अगर ये खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको खेलते हुए दिख जाएगा। अगर दोनों खेलते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप दोनों के साथ जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बाकी है। बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दोस्तों यहां पर एल्डोज मिथ्वी खेलते हुए नजर आएंगे। ये जो प्लेयर है, ये 1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनका भी रिकॉर्ड काफी बढ़िया है। T10 2020-21 का रिकॉर्ड देखेंगे गाइज तो 14 मैच के अंदर 27 रन प्लस 11 विकेट है, तो खिलाड़ी बैटिंग सेक्शन का प्लेयर। लेकिन दोस्तों इनका बॉलिंग देखोगे तो काफी मजबूत किया है इन्होंने T10 2020 के अंदर, बहुत ज्यादा चांस है कि इस मैच के अंदर भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। बैटिंग आप देख सकते हैं, बैटिंग से कुछ खास रिकॉर्ड इनका है नहीं।
ठीक है। बाकी यहाँ पे शेमुअल स्टेनलेस की बात करते हैं दोस्तों, ये 1980 का ये प्लेयर है दोस्तों, ये कब लगभग देखोगे तो 40 साल इनका एज हो गया है। T10 2020-21 का रिकॉर्ड देखते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार है। 29 मैच के अंदर देखोगे T10 फॉर्मेट का 2020 का रिकॉर्ड, तो 711 रन बनाए हैं और 8 विकेट निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ T10 खेले हैं, T20 का भी रिकॉर्ड इनके पास है जो कि 25 मैच के अंदर 340 रन स्कोर करा है। अब एक बार जाके चेक करना, ठीक है। इनका सिलेक्शन कैप्टनसी के लिए देखोगे ना तो काफ़ी बढ़िया है, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए आप रीज़न देख सकते हैं। जो खिलाड़ी T10 और T20 दोनों का एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छा खेल सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अमर शर्मा ये दोस्तों जो प्लेयर है 1978 का प्लेयर है, T10 2021-22 का रिकॉर्ड देखोगे 18 मैच के अंदर 46 रन प्लस 21 विकेट इनके नाम है। T20 2020-21-22 का रिकॉर्ड देखोगे 29 मैच के अंदर 160 रन स्कोर करा है और 22 विकेट निकाले हैं। तो हालांकि बॉलिंग ये भी करते हैं, बैटिंग तो करेंगे ही दोस्तों, साथ ही साथ आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देने वाले हैं। तो इनको कहीं ना कहीं दोस्तों बेस्ट प्लेयर में से रखना अपने टीम के अंदर, और इनका सिलेक्शन कम है, आप एक बार जाके चेक कर लेना इनका सिलेक्शन कम है। बाकी वरुण प्रशांत की बात करते हैं दोस्तों, ये जो प्लेयर है ये T10 2021-22 का रिकॉर्ड देखोगे 28 मैच के अंदर 656 रन स्कोर करा है प्लस 16 विकेट निकाले हैं। T20 2020-21-22 का रिकॉर्ड देखोगे 31 मैच के अंदर 722 रन प्लस 20 विकेट। तो वरुण प्रशांत को ये भी कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए आप ले सकते हैं। देखो जिस खिलाड़ी को मैंने यहाँ पे कलरफुल किया हुआ है ना, जो यहाँ पे कलर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कैप्टन के लिए ले सकते हैं, कैप्टन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो खिलाड़ी अभी तक आपको मिल गया कैप्टनसी के लिए, ठीक है। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में आपको इतना ही प्लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 प्लेयर आपको बैटिंग सेक्शन MAL की टीम की तरफ से दिख जाएंगे, आप जाके चेक कर लें। MAL यानी मल्टा की टीम की तरफ से ये 4 ही प्लेयर हैं। बाकी ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे तो बशील खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों, मल्टा का ये प्लेयर है, 1988 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। T10 2020-21 का रिकॉर्ड देखोगे 22 मैच के अंदर 488 रन स्कोर कराया प्लस 15 विकेट निकाले हैं। T20 में भी काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है, 2021-22 का रिकॉर्ड है, 22 मैच के अंदर देखोगे दोस्तों तो 524 रन प्लस 1 विकेट निकाले हैं। तो कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए बशील भी बेस्ट रहने वाले हैं, जो अपना स्पेल का 2 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ आपको बैटिंग भी टीम के टॉप ऑर्डर पे करते हुए दिख जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांस है कि इस मैच के अंदर ओपन करेंगे। देखो बहुत ऐसे यूजर्स हैं जो कमेंट करते हैं कि सर ग्रैंड लीग के भी पीक बताओ, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिनका भी रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे क्लियर आपके सामने हैं, जिनका आपको सिलेक्शन कम लग रहा है आप जाके चेक कर लेना। सिलेक्शन जिसका भी लो है और रिकॉर्ड शानदार है और लाइनअप में आपको मिलता है, याद रखना, अभी दिमाग में आप रख लेना एक चीज़ कि ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पीक रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। जिसका स्टैट्स बेटर है दोस्तों, जो पास्ट में अच्छा खेला है दोस्तों, जो इस सीजन में अच्छा खेला है इस यहाँ पे 2022 में 2020 में, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों ये इस मैच के अंदर भी अच्छा खेलेंगे ही, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अजीम सेठी के बारे में। तो ये जो प्लेयर है T10 2021 का रिकॉर्ड देखोगे 17 मैच के अंदर 214 रन प्लस 15 विकेट निकाले। विक्रम अरोड़ा को भी कैप्टनसी के लिए मैंने बताया यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 2021-22 का रिकॉर्ड देखोगे 21 मैच के अंदर 478 रन प्लस 2 विकेट, लेकिन T20 में देखोगे 33 मैच के अंदर 683 रन प्लस 15 विकेट अपने नाम है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए विक्रम अरोड़ा भी बहुत बेस्ट पिक रहेगा। बॉलिंग में अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सुरेंद्र रॉय जो कि अभी T10 2021-22 का रिकॉर्ड 8 मैच के अंदर 3 विकेट निकाले हैं, T20 2019-21 का रिकॉर्ड देखोगे 2 मैच के अंदर 4 रन प्लस 1 विकेट निकाले हैं। बिलाल खान T10 2020-21 का रिकॉर्ड देखोगे 25 मैच के अंदर 195 रन प्लस 17 विकेट निकाले दोस्तों। वहीं T20 में देखते हैं तो यहाँ पे 31 मैच के अंदर 220 रन प्लस 40 विकेट। तो ये भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, ये अपना स्पेल का 2 ओवर कन्फर्म गेंदबाजी करेंगे। जस्टिन की बात करते हैं दोस्तों, T10 2020-21-22 का रिकॉर्ड देखोगे 32 मैच के अंदर 130 रन स्कोर कराया प्लस 20 विकेट इनके नाम है। वहीं T20 में देखेंगे तो 10 मैच के अंदर 7 विकेट, तो ये भी गेंदबाजी करेंगे। वसीम अब्बास T10 2020-21-22 का रिकॉर्ड देखोगे 32 मैच के अंदर 65 रन प्लस 33 विकेट निकाले हैं। वहीं T20 में अगर आप देखेंगे 31 मैच के अंदर 43 विकेट है। तो ये देखो MAL का सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने, मैक्सिमम खिलाड़ी इस मैच के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मैं आपको यही कहूंगा पर्सनली कि आप ग्रैंड लीग में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। सारे स्टेट्स तो आपके सामने है ही, आप लाइनअप में जो भी रहता है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक आप बना सकते हो। लेकिन वहीं LUX की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बर्कर खेलते हुए नजर आएंगे, टिमोथी बर्कर जो कि 23 मैच के अंदर 506 रन स्कोर करा है, इनका भी सिलेक्शन बहुत शानदार है विकेट कीपर में, ये भी बेस्ट प्लेयर आप देख सकते हैं। बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो टॉनी व्हाइटमैन जो कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 6 मैच के अंदर 129 रन स्कोर करा है, ये टीम के ओपनर बैट्समैन है, इस वजह से काफ़ी लोगों ने इनको ट्राई किया हुआ है। बेस्ट प्लेयर है, अच्छा खेल सकते हैं, बेशक आप इनको ले सकते हैं। T20 का भी करियर
प्लेयर है इनका, जो कि 14 मैच के अंदर 243 रन प्लस एक विकेट। बॉलिंग से उम्मीद कम रखना क्योंकि ऑलरेडी इनके 4 से 5 बॉलर खेल रहे होंगे इस मैच के अंदर, तो ये बैटिंग बढ़िया करेंगे। अनुवर्ष की बात करेंगे दोस्तों, T20 2022 का रिकॉर्ड देखोगे 8 मैच के अंदर 58 रन, आप इनको अवॉइड करना क्योंकि इनका रिकॉर्ड उतना शानदार है नहीं बाकियों के सामने। बाकी यहाँ पे ऑस्कर व्हाइटमैन की बात करते हैं, 7 मैच के अंदर 45 रन, आप इनको भी अवॉइड कर सकते हैं। थॉमस मार्टिन 7 मैच के अंदर 101 रन स्कोर कराया। वहीं ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे तो विलियम खेलते हुए नजर आएंगे। T20 2020-21-22 का रिकॉर्ड देखोगे 23 मैच के अंदर 169 रन प्लस 20 विकेट निकाले हैं। दोस्तों ये जो प्लेयर है बैटिंग तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे, बहुत शानदार पिक रहेगा दोस्तों। राइट हैंड बैटिंग के साथ साथ लेग स्पिनर है। शिवकरण 7 मैच के अंदर 145 रन प्लस 2 विकेट, T20 2022 का रिकॉर्ड देखेंगे 11 मैच के अंदर 208 रन प्लस 6 विकेट निकाले हैं। विक्रम विज की बात करते हैं दोस्तों, T20 2019-20-21-22 का रिकॉर्ड देखोगे 24 मैच के अंदर 418 रन प्लस 27 विकेट निकाले हैं। तो ये जो प्लेयर है ये बैटिंग तो करेंगे ही, साथ साथ आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देने वाले हैं, तो इनको भी अपने टीम के अंदर आपको रखना है दोस्तों। बाकी जबरखेल का रिकॉर्ड उतना बेटर नहीं था, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। वहीं बॉलिंग की बात करते हैं तो पंकज मालव खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों। T20 2000 का रिकॉर्ड देखोगे 16 मैच के अंदर 17 रन प्लस 17 विकेट्स निकाले दोस्तों। ये जो है ना ये राइट आर्म फास्टर गेंदबाज है और अपना स्पेल का कंप्लीट 2 ओवर गेंदबाजी कंफर्म करेंगे। मोहित दीक्षित T10 2021 का रिकॉर्ड देखोगे 5 मैच के अंदर 17 रन प्लस 2 विकेट निकाले। T20 का भी फॉर्मेट इनका रिकॉर्ड है 17 मैच के अंदर 118 रन प्लस 8 विकेट, हालांकि ये भी बॉलिंग करते हैं दोस्तों। अमित दिंगरा, यहाँ पे दिंगरा की बात करते हैं तो T10 2021 का रिकॉर्ड देखोगे 5 मैच के अंदर 3 विकेट है। T20 2021-22 का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 10 मैच के अंदर 12 विकेट है। मार्कस कोप की बात करते हैं तो T20 2019-20-21 का रिकॉर्ड 10 मैच के अंदर 16 विकेट है दोस्तों। त्रिदेवी की बात करेंगे दोस्तों, ये त्रिवेदी जो कि T10 2021-22 का रिकॉर्ड यहाँ पे 10 मैच के अंदर 3 विकेट, T20 का भी फॉर्मेट है लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो अगर आप चाहो तो इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये MAL और LUX का सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड है, इससे बाहर एक भी प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया, बेंचेस तक का भी इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब लाइनअप में जो भी रहता है आपको इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं, सारे स्टेट्स मौजूद है यहाँ पे। इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है दोस्तों अपने साइड से टीम अगर आप चाहें तो खुद भी यहाँ से बना सकते हो। हालांकि मैंने आपके हेल्प करने के लिए एक डेमो टीम बनाया है, इसमें दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए विलियम कॉबी को मैंने बताया इस टीम के तरफ से एक ही प्लेयर है जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी MAL के दोस्तों विक्रम अरोड़ा रहेंगे, यहाँ पे बसित को ले सकते हैं दोस्तों, बसिल को या फिर यहाँ पे वरुण प्रसाद, ये 4 प्लेयर रहने वाले हैं आज के मैच के अंदर। यहाँ पे सैमुअल एक ये भी ऑप्शन है, यानी 5 खिलाड़ी है, आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो चलिए अब टीम की ओर आगे बढ़ते हैं जो मैंने अपने साइड से टीम बनाया है। देखो विकेट कीपर में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों मैंने पहले कहा था कि ये तीनों खिलाड़ी ना बेटर है, हो सकता है कि लाइनअप के बाद यहाँ पे तीनों खेलेंगे और जिसको मैंने ले रखा है ऑलरेडी इसमें से अगर कोई प्ले नहीं करता है लाइनअप में नहीं रहता है तो ऐसा स्थिति में मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों को कवर करूँ टीम के अंदर, क्योंकि तीनों का तीनों रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे टी वर्कर को ट्राई करूँगा LUX के टीम की तरफ से, मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, याद रखना तीनों का रिकॉर्ड मैंने बेटर बताया, हो सकता है कि आपके ओपोनेंट्स इनके साथ जाए। बैटिंग में 4 बैट्समैन जिसमें से मिथ्वी शामिल है, MAL के टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे दोस्तों चारों प्लेयर को मैंने ले रखा है, चारों के चारों रिकॉर्ड आप जाके चेक कर लेना। इनको तो मैंने कैप्टनसी के लिए बेस्ट बताया है फिर भी इनका सिलेक्शन देखें लो है, इनको खेलने के थोड़ा कम चांस है लेकिन अभी कहना मुश्किल है, लाइनअप के बाद अगर रहते हैं तो बहुत बेस्ट प्लेयर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे टी व्हाइटमैन का भी एक अच्छा रिकॉर्ड है, अगर आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हैं, सेफ प्लेयर है। ऑलराउंडर में 3 प्लेयर है जो मैंने ले रखा है, यहाँ पे डब्ल्यू कॉप को ट्राई कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे इनको ट्राई कर रहा है जो बेस्ट है बसिल जो कि बढ़िया प्लेयर है, मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट बताया है। विक्रम अरोड़ा को मैंने कर का है, एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है अगर आप चाहें तो इस क्षति को भी ले सकते हैं। वहीं रहा बॉलिंग की बात तो मैंने 3 बॉलर को ले रखा है दोस्तों, यहाँ पे पी मतलब ये टीम के कंफर्म 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे। एम दीक्षित को मैंने ट्राई करके रखा है और यहाँ पे डब्लू अब्बास, ये भी बहुत बेस्ट प्लेयर दोस्तों। यहाँ बाकी रिकॉर्ड आपने देखा, बी खान ये मेरे हिसाब से ना दोस्तों बहुत बेस्ट प्लेयर है लेकिन मैं इनको नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बैटिंग सेक्शन में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा था, हो सकता है कि मैं इनको ट्राई करूँ क्योंकि डेथ ओवर गेंदबाज है। ठीक है, टीम त्रिफ्यू मेरा कुछ इस प्रकार का है जिसमें से कैप्टनसी के लिए मैं इनको ट्राई करूँगा, वाइस कैप्टनसी के लिए भी के साथ में जाने वाला हूं दोस्तों। तो ये मेरे साइड से टीम है ना, इसमें आपको एक दो प्लेयर अपने साइड से चेंजेस करना है वीडियो के हेल्प से, जो मैंने स्टैट्स दिया है तो आप चेंज कर सकते हैं। देखो स्टैट्स निकालने में ना बहुत वक्त लगा है दोस्तों, पूरी रात में निकाला है ये सारे स्टैट्स। तो दोस्तों वीडियो को ना एक लाइक करके हमें मोटिवेट सपोर्ट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।